तो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड एप्स कैसे चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि विंडोज 11 ही आपको एंड्रॉयड के लिए एक सब सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर विंडोज 11 जो यूजर्स हैं उनको आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम बिना किसी एक्सटर्नल एमुलेटर के, बिना किसी वर्चुअल मशीन के, हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड्रॉयड APK इंस्टॉल करके एप्स और गेम रन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये सब शुरू करने से पहले एक लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाना जरूरी है, जिससे कि उन लोगों को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ इस वीडियो के अंत तक उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए एश्योरिटी कर देते हैं इस चीज़ की, आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा के। तो ये मेरा सिस्टम, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे काफ़ी सारी APK देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रिसेंट वीडियो में APK डाउनलोड करना भी सिखाया है गूगल प्ले स्टोर से, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप APK इंस्टॉल करेंगे तो ये जो ऐप्स हैं, एंड्रॉयड की ऐप्स है, ये आपके सिस्टम की ऐप्स की तरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं कैंडी क्रश आपको यहाँ पे खेल के दिखा रहा हूँ। तो कैंडी क्रश कितना स्मूथली और फुल स्क्रीन व्यू में मेरे सामने चल रहा है, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे किसी एमुलेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको रन कर पा रहा हूँ अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, चलिए आपको एक और गेम यहाँ पे दिखा देते हैं। NFS यानी कि नीड फॉर स्पीड की जो गेम है, जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आपको मिलता है, वो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा NFS नो लिमिट्स का गेम है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी APK मैंने डाउनलोड करी और उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, और इस तरीके का ये गेम है, काफ़ी मज़ा आया खेल के। आप भी खेल सकते हैं अगर आप विंडोज 11 यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज 11 का ये सब सिस्टम यूज़ करके आप बहुत आसानी से एंड्रॉयड की ऐप्स और गेम्स आप चला पाएंगे। हाँ, उन गेम्स के साथ जरूर दिक्कत आपको आ सकती है जिनकी की मैपिंग अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिनके अवेलेबल है और जिनको आप सेट कर पाते हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब कैसे इस टास्क को परफॉर्म करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मेनली तीन चीज़ों की। चलिए मैं आपको नोट पैड में लिख के बता देता हूँ। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला आप नोट कीजिए, विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, पहले अकेला आता था, लेकिन आजकल जब से माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजॉन ऐप स्टोर के साथ टाई अप किया है, तो अमेजॉन ऐप स्टोर के साथ ये बंडल में आता है। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना वो मैं भी आपको बता दूंगा। दूसरा, आपको डाउनलोड करना है SDK प्लेटफॉर्म टूल फॉर विंडोज। ठीक है, दूसरा टूल आपको ये डाउनलोड करना है। तीसरा, आपको डाउनलोड करना है WSA टूल। ठीक है, WSA टूल आपको डाउनलोड करना है। तो ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा, ये तीनों आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके कोई लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक वेबसाइट पे आपको जाना है गूगल पर, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला टूल आपको डाउनलोड करना है, विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड। आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे, विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड लिखेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे पहला ही लिंक आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा। आप डायरेक्ट सर्च करेंगे, आपके पास पहला लिंक आएगा, स्टोर पर जाएंगे और गेट इन स्टोर ऐप पे आप क्लिक करेंगे और ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, या फिर आप ये पूरा नाम लिखकर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, ये ऐप बंडल पैकेज में है, यानी कि अमेजॉन ऐप स्टोर के साथ ही आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजॉन के साथ टाई अप करके, अमेजॉन ऐप स्टोर के साथ टाई अप करके आपको कुछ ऐप्स प्रोवाइड की है, जिनकी मदद से आप एंड्रॉयड ऐप्स को अपने विंडोज 11 में चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन ऐप स्टोर, लेकिन अभी ये फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, टाइम लेगा 5 से 10-15 मिनट तक का टाइम यहाँ पे लेगा, जिसको आप डाउनलोड होने देंगे। डाउनलोड होने के बाद में ओपन हम करेंगे, वो देखते हैं हमें क्या ओपन करना है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। सेकंड चीज जो हमें यहाँ पे डाउनलोड करनी है वो है SDK प्लेटफॉर्म टूल फॉर विंडोज। ठीक है, तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल पे चलते हैं वापस, और हमने लिखा SDK प्लेटफॉर्म टूल फॉर विंडोज। यहाँ पे पहली वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी developer.android.com की। इस वेबसाइट पर जाएंगे हम, और यहाँ पर ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको पूरा लिखना है, फॉर विंडोज आप लिखेंगे तब आपके पास ये पेज ओपन होगा।
देन यहाँ पे आपके सामने पहला ही लिंक आ रहा है डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज। ठीक है, मैक वाले मैक यूज करेंगे, लिनक्स वाले लिनक्स यूज करेंगे। तो हमें विंडोज चाहिए तो हम विंडोज यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको भी डाउनलोड कर रखा है, डेस्कटॉप पे है, शायद जिप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। अभी मात्र 5.5 MB के समथिंग ये मेरे पास टूल है। तीसरा जो टूल मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसका नाम है WSA टूल, ये आप डायरेक्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएंगे, स्टोर ओपन करेंगे अपना। ठीक है, ये अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने ही इसको इंस्टॉल करूंगा। WSA टूल्स हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने जाएगा WSA टूल्स APK इंस्टॉलर एंड मोर। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा डायरेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये जितना भी टाइम लेगा आप इसको टाइम देंगे इंस्टॉल होने का। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं 76.13 MB का है। तो जब तक ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो हमने प्लेटफॉर्म टूल्स डाउनलोड किया, जो जिप फाइल हमने डाउनलोड करी थी, जो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, जो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज, तो वो यहाँ पे डाउनलोड होकर एक जिप फाइल आएगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इस फोल्डर को किसी एक सेफ जगह रख सकते हैं, लेकिन जहां पर आप एक बार रख देंगे वहीं पर रखिएगा, क्योंकि फिर वहां से आप हटाएंगे इसको तो फिर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस फोल्डर को किसी ऐसी सेफ जगह रख देना है जहां पर से ये डिलीट ना हो या फिर आपकी मूव ना हो, फिर आप अच्छे से एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। तो मैं जिप फाइल की तो आप डिलीट कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सट्रैक्टेड वर्जन आप सेफ जगह रख सकते हैं। मैं अभी डेस्कटॉप से ही आपको हैंडल करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो WSA टूल है वो अभी डाउनलोड हुआ है नहीं, अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WSA टूल्स हमारा थोड़े टाइम के बाद इंस्टॉल हो गया है, 5-10 मिनट का टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे सामने ओपन का बटन आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और मैं आपको, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप तीनों ही चीज़ें अपने सिस्टम में डाउनलोड कर ली है, और जो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी वो इंस्टॉल भी कर ली है, और जिन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना था वो एक्सट्रैक्ट भी कर ली है। तो एक्सट्रैक्ट हमने किया प्लेटफॉर्म टूल्स को, सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म टूल्स का एक फोल्डर, देन उसके अंदर काफ़ी सारी इसके अंदर एप्लीकेशंस मिलेगी जिनकी मदद से आप APK इंस्टॉल करके रन कर पाएंगे। तो चलिए इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं एक अलग फोल्डर में डाल देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड्रॉयड एप्स सोर्स, ठीक है, इस फोल्डर में मैं डाल देता हूँ। तो इसमें डालने का जस्ट कोई पर्पज़ नहीं है, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इस फोल्डर में डाल दिया। अब इस फोल्डर में मेरे पास प्लेटफॉर्म टूल्स है, देन इसके अंदर फोल्डर है, देन उसके अंदर फाइल्स है। अब आपको सबसे पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहला टास्क आपको करना है एंड्रॉयड सब सिस्टम ओपन करना है सेटिंग का। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे एंड्रॉयड, जैसे ही सर्च करेंगे, क्योंकि आपने विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था। ठीक है, जो कि मैंने आपको अमेजॉन ऐप स्टोर पहला ही जो हमारा लिंक था वो हमने इंस्टॉल किया था, तो उसकी सेटिंग हमें ओपन करनी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग पे, ठीक है, विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे सामने जैसे हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डेवलपर का ऑप्शन आएगा, डेवलपर पे जाएंगे, डेवलपर मोड आपके पास ऑफ रहेगा, आप इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद ही आप कोई ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे, डेवलपर मोड ऑन करने के बाद ही आप कोई ऐप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाएंगे, इसलिए ये ऑन होना जरूरी है। ठीक है, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये आपको ऑन करना पड़ेगा, मैंने पहले से ही ऐप इंस्टॉल कर रखी है इसलिए मुझे ऐप पे जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज, अब आप WSA टूल ओपन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने से पहले ये हमसे पूछ रहा है इंस्टॉल एंड APK, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने से भी पहले यहाँ पे आपसे पूछेगा ADB इज मिसिंग, तो ADB हमारा कहाँ पर है, ADB हमारा इस फोल्डर में है जो हमने प्लेटफॉर्म टूल्स यहाँ पे डाउनलोड किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड्रॉयड जो मैंने अपना फोल्डर ओपन किया, प्लेटफॉर्म टूल का ओपन किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ADB.exe, तो ये इसका ही एक पार्ट है ADB। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ADB को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ADB इज मिसिंग आ रहा है, तो हम यहाँ पे गो बैक हो जाते हैं एक बार, और यहाँ पे आपके पास सेटिंग का यहाँ पे कॉर्नर में एक बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ADB पोर्ट में कुछ नहीं करना है, आपको कस्टम ADB लोकेशन में जाना है, देन यहाँ पर आप अपनी ADB.exe सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पर है वो, हमारे प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे डेस्कटॉप पर है प्लेटफॉर्म टूल्स एंड्रॉयड ऐप सोर्स का ये फोल्डर, देन इसमें प्लेटफॉर्म टूल्स, इसमें प्लेटफॉर्म टूल्स, देन ADB.exe।
देन ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं चेकिंग एडीबी आ रहा है और यहाँ पे मेरा एडीबी यहाँ पे सेट हो गया है। देन इससे बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडीबी सिलेक्ट करना है। अब ये फोल्डर आपका कहीं पर भी हो, जस्ट एक बार उसको असाइन कर देंगे, देन उसके बाद एडीबी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं WSA टूल पे। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल एंड APK लिखा रहा है, यानी कि आपको APK डाउनलोड करनी पड़ेगी। APK डाउनलोड आपको कैसे करनी है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको प्रोसेस बताया था कि गूगल प्ले स्टोर से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं APK, या फिर आपको किसी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड करनी है APK, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते मैं आपको फिर से आगाह कर दूं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स का यूज कीजिएगा जिससे आप वायरस डाउनलोड न कर लें, मालवेयर डाउनलोड न कर लें, फिर बाद में कहें कि मेरा तो सारा डाटा एनक्रिप्ट हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करते हैं मेरा वीडियो देख लीजिएगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करने का। ओके चलिए चलते हैं WSA टूल पे वापस। तो मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में दिखाया, काफी सारी APK यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, काफी सारे कुछ गेम्स मैंने आपको खेल के भी दिखाए। अब मैं यहाँ पे आपको एक और गेम यहाँ पे इंस्टॉल करके बताऊंगा जो कि क्रेयॉन फिजिक्स है, जिसकी APK मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। तो इस APK को इंस्टॉल करने के लिए WSA टूल में इंस्टॉल एंड APK पे जो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, उस पर क्लिक किया, अपनी APK फाइल मैंने यहाँ पे लोकेट की, ठीक है, जो कि है मेरा ये वाला गेम, ठीक है। आप देख सकते हैं com.grade, ठीक है। इसका नाम आप रीनेम कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद, APK कोई दिक्कत नहीं, मैंने करा नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, लोड APK पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स पेंसिल नाम से इसका गेम का नाम है। इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा मैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ आपके डिबगिंग का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप उसको भी अलाउ करेंगे। तो जो भी चीज़ यहाँ पे आपके पास आती है उसको आप अलाउ करेंगे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिंग टू विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से अलाउ ADB डिबगिंग आ सकता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, आपको अलाउ करना है इसको। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप रिट्राई करेंगे, क्योंकि अलाउ करने के बाद आपको एक बार रिट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेटिंग से डिबगिंग ऑन नहीं कर रखी। मैं वो भी आपको बता दूंगा अभी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम ओपन ऐप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा गेम है, जो एंड्रॉयड का गेम है, वो यहाँ पे चालू हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेयॉन फिजिक्स का जो गेम है वो हमारा यहाँ पे चालू हो गया है। कुछ इस तरीके का गेम है, हमें कुछ इस तरीके से पाथ बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस बॉल को हमें अपने टारगेट तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इस तरीके से गेम रन करता है और यहाँ पे परफेक्टली गेम रन कर पा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं गेम थोड़ा सा खेल के भी आपको दिखा देता हूँ। ओके तो आपने देखा कि हम यहाँ पे गेम खेल पा रहे हैं, एंड्रॉइड के गेम बिना किसी एमुलेटर के हम अपने सिस्टम में रन कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन भी आप रन कर सकते हैं, इन शॉर्ट काइन मास्टर जैसी एप्लीकेशन भी आप रन कर पाते हैं, वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, फोटोग्राफी एप्लीकेशन आप रन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रन कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, अगर आपके पास एंड्रॉइड डिबगिंग के ऑप्शन आपके प्रॉब्लम होती है तो वह उसको आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं परमानेंटली। जस्ट आप एंड्रॉइड विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर में जाने के बाद यहाँ पर ये आपका डेवलपर मोड तो ऑन होना ही चाहिए। यहाँ पे नीचे आपके पास मैनेज डेवलपर सेटिंग लिखा रहा है, इस पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, USB डिबगिंग, ठीक है। ये आपका अनेबल होना चाहिए, फिर आपके पास वो एरर बार बार नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका ऑफ होगा शुरुआत में, ये आपका अनेबल होना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा जो भी चीज़ आपके सामने आती है उसको जस्ट आपको यस करना है, जो एंड्रॉइड की ऐप्स है वो अपने विंडोज 11 में रन कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर आप सटीक रूप से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से अपने विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप रन कर पाएंगे। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके प्रोसेस कैसा लगा और कौन कौन एंड्रॉयड की ऐप्स रन कर पाया और गेम रन कर पाया और खेल पा रहा है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।